गेहूं रबी की फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है तथा फसल की कटाई फरवरी से मई तक की जाती है। जिन किस्मों की अवधि 135 से 140 दिन है उनको नवंबर के प्रथम पखवाड़े में तथा जो किस्में पकने में 120 दिन का समय लेती है उन्हें 15 से 30 नवंबर तक बोना चाहिए। निचली जमीन में दोनवन में जहाँ की धान की कटाई के बाद अधिक पानी जमा रहता है एवं इस स्थिति में ये गेहूं की पिछात बुआई किसान भाई करते हैं। गेहूं की पिछात बुआई का समय 20 दिसंबर से लेकर जनवरी अंतिम दिसंबर तक 31 दिसंबर तक उत्तम माना जाता है। इस बीच में यदि कुछ अनुशंसित किस्में हैं जो सिंचित अवस्था में पिछात बुआई गेहूं की बुआई के लिए अनुशंसित है यदि उन सब प्रभेदों को लगाएं तो पिछात बुआई में किसान भाई अच्छा उपज गेहूं की प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लगाने उचित रहता है। पिछात गेहूं की बुआई के क्रम में इस बात का ध्यान रखें कि वैसी किस्में जिनकी बुआई समय पर की जाती है उनका चुनाव कतई ना करें। पिछात गेहूं की खेती के लिए कृषि वैज्ञानिक HI 1563, K 9107, HD 107, HUW 234 जैसी किस्मों की अनुशंसा करते हैं। विलंब की बुआई के लिए जो अनुशंसित किस्में हैं उसी को प्रयोग करें। उसमें जो अच्छी अच्छी वेराइटी है HI 1563, K 9107 और HD 107, इस तरह कुछ अनुशंसित किस्में हैं जिसको आप पिछाई HUW 234, ये 3-4 किस्में हैं जो कि झारखंड में ज़्यादा झारखंड के लिए पिछात गेहूं के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। तो इन्हीं सब किस्मों को आप लगाएं पिछात गेहूं के लिए। यदि आप बिना जो समय से बुआई वाले गेहूं को लगा देंगे तो उसमें पैदावार कम होगी। गेहूं के अच्छे अंकुरण के लिए 2-3 गहरी जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। ध्यान रहे कि खेत में नमी बरकरार हो। जुताई के क्रम में 5 टन गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। किसान भाई, जब उचित नमी हो, खेत जुतने लायक हो, तो सबसे पहले जो है एक गहरी जुताई करें और 1-2 जुताई कल्टीवेटर से करके उसके पाटा लगा दें और खास करके गेहूँ में भुरभुरी बुआई माने मिट्टी खेत भुरभुरी तैयार होनी चाहिए तो इसमें गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। तो कहने का मतलब है 2-3 जुताई करके उसको मिट्टी को भुरभुरा करके समतल कर लें पाटा लगा के तभी गेहूं की बुआई करें, लेकिन उचित नमी रहनी चाहिए। भारत में लगभग आधे क्षेत्र में गेहूं की खेती असिंचित दशा में की जाती है। पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर गेहूं में 4 से 6 सिंचाई देना श्रेयस्कर होता है। यह सिंचाई 20-20 दिनों के अंतराल में किया जाना चाहिए। ऐसे तो वैज्ञानिक विधि से यदि सिंचाई उपलब्ध है किसान भाई के पास तो 20-20 दिन अंतराल बुआई के 20-20 दिन अंतराल के बाद सिंचाई करें। यदि लिमिटेड इरिगेशन है, यदि किसान सिर्फ एक सिंचाई दे पाता है तो वो 20 दिन के बाद जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं उस पर दें। यदि 2 सिंचाई होती है तो क्राउन रूट के समय 20 दिन के बाद दें और जब दूसरी सिंचाई आप दें जब बाली निकलने लगती है तब दें। यदि किसान भाई को 3 सिंचाई उपलब्ध है तो पहला क्राउन रूट यानी 20 दिन के बाद, दूसरा बाली निकलने के बाद और तीसरा जो है जब दाने में दूध भरने लगता है उस समय दें। यदि किसान भाई को 4 सिंचाई है तो पहला जो है 20 दिन के बाद यानी क्राउन रूट के समय, दूसरा जब कल्ले पूरे निकल जाए उस समय दें, तीसरा जो है बाली निकलते समय दें और चौथा जो है बाली में दूध भरते समय दें। तो इस प्रकार यदि आपको लिमिटेड सिंचाई है तो इस हिसाब से सिंचाई करें। यदि आपको सिंचाई की मात्रा सिंचाई आप दे सकते हैं तो आप जो है 20-20 दिन के अंतराल पर दें। गेहूं में कृष्ण नील, बथुआ, हिरनखुरी, जंगली गाजर जैसी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पोषक तत्वों की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। इसके लिए समय समय पर निकाई गुड़ाई करें। किसान भाई पहले तो निकाई गुड़ाई करते हैं लेकिन अब निकाई गुड़ाई करना समस्या है, वो ज़्यादा समय लगता है और माने कि ज़्यादा ये लगता है तो रासायनिक का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर रबी सीजन में जो है वो चौड़ी पत्ती वाली घास का प्रकोप ज़्यादा होता है तो उसके लिए 2,4-D जो है वो मतलब कि वो 1 से 1.25 लीटर
प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 30 दिन बाद जो है खेत में छिड़काव करने पर खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। विभिन्न कृषि क्रियाओं एवं वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप प्रभेदों का चुनाव और खरपतवार नियंत्रण कर विलम्ब से गेहूं की बुआई कर भी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।